कार्टून टीवी। औरतें बनी मर्द। काली नगरी नाम के एक गांव में हिमानी नाम की एक बेहद ही सुंदर लड़की रहती थी। वो काफी पढ़ी लिखी थी, जिस वजह से वो हर काम कर पाती थी जो एक आदमी अपने घर के पालन पोषण के लिए कर सकता था। घर के साथ साथ वो अपना खुद का पापड़ का बिजनेस भी करती थी। वो अकेली शहर जाकर अपने बिजनेस के लिए सामान भी ले आती थी। कभी कभी उसके गांव के कुछ पुरुष उससे अपने काम में बढ़ोतरी करने की कुछ टिप्स भी मांगा करते थे। हिमानी की इस बात से गांव की सभी स्त्रियां काफी जलती थी। एक दिन जमुना और चंपा नाम की दो स्त्रियां एक दूसरे से बात कर रही होती हैं। अरे बहन सुन, ये अपने गांव के पुरुष कुछ ज्यादा ही हिमानी के आगे पीछे नहीं घूम रहे। अरे रे, मुझे तो डर है कहीं ये हमारे मर्दों को भी अपने कब्जे में ना कर ले। इसका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना ये हमारे पतियों के सामने हमारी अहमियत बिल्कुल जीरो कर देगी। सारी बातें करके चंपा और जमुना गांव की सभी स्त्रियों को इकट्ठा करके सबको हिमानी के खिलाफ भड़काती हैं और सभी को हिमानी को गांव से बाहर निकालने के लिए मना लेती हैं। वो सब मिलकर हिमानी को डायन साबित करने की योजना तैयार करती हैं। उसी दिन रात होते ही चंपा और जमुना छुपकर तंत्र मंत्र वाला सामान हिमानी के घर रखाती हैं और सुबह होते ही दोनों अपने पतियों और सभी गांव वालों को लेकर उसके घर के बाहर इकट्ठा होती हैं। ए चालाक औरत, दरवाजा खोल, खोल दरवाजा, आज तेरी असलियत सबके सामने आएगी, खोल दरवाजा। क्या बात हो गई भगवान, और हिमानी जी की कौन सी सच्चाई की बात कर रही हो तुम? अब जो ये हिमानी जी कर रहे हैं ना, उसकी सच्चाई सामने आने के बाद जी लगाना ही भूल जाएंगे अब। अरे पर बात हुई क्या है? इतने में हिमानी अपने घर से निकलती है। सभी गांव वालों को अपने घर के सामने देखकर वो हैरानी से पूछती है, क्या बात हुई है इतनी सुबह सुबह आप लोग यहाँ पर? आहा, बड़ी मासूम बन रही है, तेरी असलियत अब सबके सामने आ गई है, बाहर निकल। गांव वालों, ये औरत एक डायन है, डायन। रात होते ही ये काला जादू कर देती है, बच के रहो इससे। ये सुनकर सभी गांव वाले बहुत ही हैरान होते हैं और किसी को भी उसकी बात पर विश्वास नहीं होता। तभी हिमानी बोलती है, ये क्या बकवास है, मैं और एक डायन, ये कैसी पागलों वाली बात कर रही हैं आप? ये सच में एक डायन है, अगर आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा तो आप इसके घर में जाकर देख सकते हैं, चलो देखो। तभी सारे गांव वाले हिमानी के घर में जाकर देखते हैं तो उन्हें उसके घर में तांत्रिक क्रियाओं को पूरा करने वाली सामग्री दिखाई देती है, जिसे देखकर सभी चौंक जाते हैं और हिमानी को गांव से बाहर निकलने के लिए कहते हैं। ये सुनकर हिमानी कहती है, लगता है आप लोगों को कोई गलत फहमी हो रही है, ये मुझे फंसाने की कोशिश है, मेरा यकीन मानिए, मैं ऐसा कोई काम नहीं करती। जमुना और चंपा गांव वालों को बहुत ज्यादा भड़का देती हैं और गांव वाले हिमानी की बात सुनने की जगह इन दोनों की बात सुनते हैं और उसी समय हिमानी को गांव से धक्के मारकर निकाल देते हैं। हिमानी के गांव से बाहर जाने के बाद हिमानी और चंपा बहुत ही खुश होती हैं। चलो अच्छा हुआ, हमारे गांव से कम हिमानी नाम की बला तो टली। हाँ, अब हमारे पतियों पर बस हमारा ही जादू चलेगा। हिमानी के जाने के बाद गांव की सभी महिलाएं बहुत खुश होती हैं, लेकिन उनकी खुशियों में दाग तब लग जाता है जब एक दिन अचानक गांव में काफी तेज बवंडर आता है। उसे देखने के लिए गांव की सभी स्त्रियां बाहर आती हैं, लेकिन सारी की सारी महिलाएं उस बवंडर की चपेट में आ जाती हैं और वो तेजी से घूमने लगता है। जैसे ही बवंडर शांत होता है, सभी महिलाएं मर्द बन चुकी होती हैं। बस उनके बाल ही लंबे रह जाते हैं।
ये देखकर गांव के सारे मर्द हैरान हो जाते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आता ये अचानक उनके साथ हो क्या गया। अरे रा, ये हमारे साथ क्या हो गया? हम मर्द कैसे बन गए? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ये हमारे साथ क्या हो गया? ये जरूर ही कोई काला जादू है, हमें गांव के तांत्रिक को इसके बारे में बताना ही पड़ेगा। सभी तांत्रिक के पास जाकर उसे अपने साथ हुए हादसे के बारे में बताते हैं। ये सुनकर तांत्रिक गांव आता है, तभी उसे कुछ महसूस होता है। यहाँ किसी बहुत ही ताकतवर आत्मा का साया है, ये आत्मा नई है, जैसे किसी ने हाल ही में खुद को सिर्फ इसलिए मारा हो ताकि वो अपने साथ हुई बदसलूकी का बदला ले सके। ये सुनकर सभी बहुत डर जाते हैं और तांत्रिक को इसका पता लगाने के लिए कहते हैं। तभी तांत्रिक मंत्र पढ़ता है। चल जाए मेरा काला जादू, आ जाए आत्मा होकर बेकाबू। तभी एक बहुत तेज बवंडर सामने आता है और वो एक विशाल आत्मा के रूप में तब्दील हो जाता है। उस आत्मा को देख सब गांव वाले चौंक जाते हैं। हैं? हिमानी तुम? हाँ मैं। क्या हुआ, मुझे देखकर हैरानी हो रही है? ये आज मैं जैसे भी हूँ सब तुम लोगों की वजह से हूँ। सच बता, तू क्या चाहती है? मैं इंसाफ चाहती हूँ, इन गांव वालों ने मेरे साथ अन्याय किया है, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगी। कैसा अन्याय? ये जितनी भी गांव की औरतें हैं, इन्होंने मुझे डायन साबित करके इस गांव से निकाल दिया था। इतना अपमान जो मुझसे सहन नहीं हुआ तो मैंने आत्महत्या कर ली। अपने साथ हुए अपमान का मैं बदला लेकर रहूंगी, इन्हें अब मैं नहीं छोड़ूंगी। ये सब सुनकर गांव के सारे आदमियों ने अपनी अपनी पत्नियों से इस बारे में पूछा, लेकिन सबने हिमानी को झूठा ठहरा दिया। ये सुनकर हिमानी गुस्से में आ जाती है, वो फिर से अपने जादू से एक बवंडर बनाती है और सभी औरतों को जो मर्द में तब्दील हो चुकी हैं, सभी को उस बवंडर में घुमा देती है। तुम सारे सच बताते हो कि नहीं? अरे अरे, हाँ, 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 हम हिमानी की आत्मा बवंडर को शांत कर देती है। तभी जमुना और चंपा सभी को बताती हैं कि कैसे उन सभी ने मिलकर हिमानी को फंसाया। ये सुनकर उनके पति बोलते हैं, मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि तुम ऐसी हरकत करोगी। ऐसी शर्मनाक हरकत करते हुए तुम्हें जरा सी भी झिझक नहीं हुई? अब तुम्हें अपनी पत्नी बोलने में भी मुझे शर्म आ रही है। इतना कुछ होने के बाद चंपा और जमुना को अपनी हरकत पर बड़ी ही शर्म आती है और वो हिमानी से अपने किए हुए गुनाहों की माफ़ी मांगती है। ये सुनकर हिमानी कहती है, तुम लोगों को अपने किए हुए पर पछतावा है, बस यही मैं चाहती थी। और हाँ, ये हरकत तुम कभी भी किसी और के साथ मत करना, वरना उस इंसान पर क्या बीत सकती है इसका तुम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जमुना और चंपा के माफ़ी मांगने पर हिमानी की आत्मा सभी को फिर से औरत में तब्दील कर देती है और वो हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती है। उस दिन के बाद से जमुना और चंपा दूसरों से ईर्ष्या करना बंद कर देती हैं। लुटेरी पत्नी और भूतिया पति। तोड़ दूंगा। एक गांव में रात के समय भूत प्रेतों की डरावनी आवाज से उस गांव के लोग काफी परेशान थे। अरे भाग्यवान, ये डरावनी आवाज कहां से आ रही है और ये आवाज धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। मुझे क्या पता, जल्दी से खिड़कियों और दरवाजों को ठीक से बंद कर दो, मुझे बहुत डर लग रहा है।
भाभी जी नमस्ते, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, लेकिन रात को आने वाली डरावनी आवाज से परेशान हो गई हूँ। हाँ, आपने सही कहा, रात को सोते समय गांव के पास वाले खंडर से अजीब अजीब सी डरावनी आवाजें आती हैं। अरे हाँ, खोपड़ी तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा जैसे चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। गांव के कुछ लोग कह रहे थे कि खंडर में किसी भूत का बसेरा है और वहीं से ऐसी डरावनी आवाजें आती हैं। हाँ, मैंने भी ऐसा ही सुना है। मेरे पति अभी शहर जाने वाले हैं और शहर का रास्ता भी उसी खंडर के पास से गुजरता है। मुझे तो अभी से ये सोच के बहुत डर लग रहा है कि वो जाएंगे कैसे। देखो, संभल कर जाना, रास्ते में खंडर पड़ता है, वहाँ सावधानी से निकलना और शाम होने से पहले लौट आना। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं शाम ढलने से पहले ही आ जाऊंगा। हे प्रभु, मेरे पति सही सलामत घर लौट आए। अरे, समय कितनी तेजी से निकला जा रहा है, शाम हो गई और अभी तक रास्ते में हूँ, पता नहीं कब तक पहुँचूंगा। ये भूत प्रेत की आवाज कहाँ से आ रही है? बहुत दिनों से यहाँ कोई नहीं आया था, मैं कब से इस दिन का इंतजार कर रहा था। ये कंकाल कोई भूत तो नहीं है? अरे, भूत भूत कुछ नहीं होता। बचाओ बचाओ, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। तुम इंसान अच्छे हो, इसलिए मैं तुम्हें बख्श रहा हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मेरे लिए शहर से एक औरत को ढूंढ कर ला दो। ठीक है, लेकिन कौन है वो औरत? इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है। वो औरत मेरी लालची पत्नी रानी थी। शादी के कुछ दिनों बाद तक सब कुछ अच्छा था, लेकिन जब उसे पता चला कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो वो मुझसे बुरा बर्ताव करने लगी। ये तो वो गलत कर रही थी। पत्नी की मांग को पूरा करने के लिए मैं लूटपाट करने लगा और एक दिन रास्ते में मेरी एक गाड़ी से टक्कर हो गई, जिससे मेरा एक पैर टूट गया। इसके बाद एक दिन उसने मुझे कमरे में बंद कर दिया और सारे पैसे लेकर शहर भाग गई। भगवान का शुक्र है, मुझे तो ऐसा लगा कि तुम मुझे मारना चाहते हो। तुम तो अच्छे भूत हो और सिर्फ बदला लेने के लिए यहाँ हो। मैं जरूर तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन मैं उसे ढूंढूंगा कहाँ और उसे पहचानूंगा कैसे? उसकी आंखें बड़ी बड़ी है और नाक तोते जैसी है। ठीक है, मैं उसे ढूंढकर लाता हूँ। हे प्रभु, आपका लाख लाख शुक्र है, मैं घर सही सलामत पहुँच गया। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? हाँ, ठीक हूँ, लेकिन वो भूत। आप पहले आराम से बैठिए, फिर बताइए क्या हुआ। हे भगवान, आप किस मुसीबत में फंस गए? मैं कल ही रामू को साथ लेकर उस औरत को ढूंढने शहर जाऊंगा। हजारों औरतों को देख चुका हूँ,
लेकिन अब तक वो औरत दिखाई नहीं दी। हाँ रामू, सही कह रहे हो, मैं तो उस औरत को ढूंढ ढूंढ कर बहुत थक गया हूँ। अरे वो रही, कौन? वो औरत जिसे हम ढूंढने आए हैं। हम उसे गांव कैसे ले जाएंगे, पर वो आप मेरे ऊपर छोड़ दो। रानी मैडम नमस्ते। नमस्ते, लेकिन आप लोग कौन हैं? हम लोग गांव से आपके लिए रिश्ता लेकर आए हैं। लड़का बहुत धनवान है, पर उसके दोनों पैर नहीं हैं। अगर आप चाहें तो हम लोग उससे आपको मिलवा सकते हैं। लड़का धनवान है, उसके पैर भी नहीं है, फिर तो मैं उसे भी कमरे में बंद करके सारे पैसे लेकर फरार हो जाऊंगी। मुझे अपनी शैतानी खोपड़ी का इस्तेमाल करना चाहिए। तो क्या आप उससे नहीं मिलना चाहती? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सोच रही थी कि वो लड़का देखने में कैसा होगा। तो क्या हम लोग उससे मिलने चलें? हाँ हाँ जरूर। हम लोग कितनी देर में पहुँचेंगे? बस पहुँचने ही वाले हैं। आज मेरा बरसों का इंतजार खत्म होगा। उसके स्वागत के लिए मैंने कमरे को सजा कर रखा है। हम लोग पहुँच गए। इस कमरे को देखकर तो लड़का सच में पैसे वाला लगता है। हाँ वो तो है। आप यहाँ बैठो, हम उसे बुलाकर लाते हैं। अच्छा। मैंने अपना काम कर दिया और अब तुम हमें और हमारे गांव वालों को बख्श दो। भूत, 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 बचाओ, बचाओ! तुम्हारी चीख पुकार सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। ये बात तो मैंने भी तुझसे कही थी, लेकिन तूने मेरी एक नहीं सुनी। कौन हो तुम? मैं तुम्हारा पति, जिसे तूने 10 साल पहले कमरे में बंद कर मरने के लिए छोड़ दिया था, और तू सारे रुपए पैसे लेकर भाग गई थी। मेरी तो मौत हो गई, लेकिन आत्मा मुक्त नहीं हुई और तुझसे बदला लेने का इंतजार करती रही। देख अब वो समय आ गया। और वो गांव से हमेशा के लिए चला जाता है। साथ ही गांव वाले सुख चैन के साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं। शातिर बहू और बेचारा ससुर। एक गांव में हरि नाम का एक आदमी रहता था। हरि का एक ही बेटा था जिसका नाम समीर था। समीर अभी काफी छोटा था और उसकी परवरिश का सारा जिम्मा हरि पर था, क्योंकि हरि की पत्नी की मृत्यु समीर को जन्म देते समय ही हो गई थी। घर और बाहर का भार अकेले उठाने का जिम्मा अब अकेले हरि के कंधों पर ही था। जिसे देखते हुए एक दिन उसका दोस्त शंकर उससे मिलने आता है और कहता है, भाई हरि, अकेले कब तक घर चलाओगे? मेरा ये सुझाव है कि तुम अब दूसरी शादी कर लो। नहीं भाई शंकर, समीर अब मेरी ही जिम्मेदारी है, और इसकी माँ के जाने के बाद मेरे पास बस यही तो एक आखिरी निशानी बची है, और तुम्हें तो पता ही है कि सौतेली माँ तो सौतेली ही होती है। मैं समीर को भरपूर प्यार देना चाहता हूँ, जो शायद दूसरी शादी करके मैं उसे ना दे पाऊँ। हरि अपने दोस्त की बात नहीं मानता और दूसरी शादी करने से साफ मना कर देता है। अब हरि माँ और पिता दोनों की ही जिम्मेदारी एक साथ निभाने लगता है। वक्त बीतता है और समीर अब बड़ा हो जाता है। अब समीर को घर के पास ही एक अच्छी सी नौकरी भी मिल चुकी होती है, जिसके बाद वो अपने पिता से बोलता है, पिताजी अब मैं बड़ा हो गया हूँ
आपको इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए। अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि आपका बोझ कम करूं। अब आप तसल्ली से घर पर आराम कर सकते हैं और हाँ, अपने मन का काम भी कर सकते हैं, जो आप मेरी परवरिश के समय नहीं कर पाए। अरे बेटा, मैं घर पर अकेले रहकर क्या करूंगा, अब तो ऐसा रहने की आदत हो गई है। कोई नहीं, मन बहलाने के लिए काम ही कर लूंगा। ठीक है पिताजी, जैसी आपकी इच्छा। इसी तरह दोनों अपना जीवन बिताने लगते हैं। एक दिन समीर के लिए शादी का अच्छा सा रिश्ता आता है। रिश्ता आते ही हरी समीर की शादी तय कर देता है और कुछ समय में ही उसकी शादी भी हो जाती है। समीर की शादी के बाद घर में रौनक फैल जाती है, क्योंकि काफी समय के बाद एक स्त्री का आगमन उनके घर में होता है। अब घर में उन्हें अपने हाथ का बनाया हुआ कच्चा पक्का खाना नहीं, बल्कि बहुत अच्छा और स्वादिष्ट खाना मिलने लगता है। अब सभी की जिंदगी अच्छे से गुजरने लगती है। हर रोज की तरह समीर लंच करने घर पर आता है तो वो अपनी पत्नी सुहाना से कहता है, आज मेरी तनख्वाह आई है और ये मैं तुम्हें दे रहा हूँ, क्योंकि घर संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है ना, तो पैसे भी तुम ही संभालो। जब भी किसी चीज की जरूरत हो तो तुम बिना किसी झिझक के ले आना। समीर के जाने के बाद हरी भी घर पर लंच करने आता है और वो भी अपनी पगार सुहाना को दे देता है और कहता है, बस बेटी, मेरी दवाइयाँ और मेरे आने जाने का खर्च तो मुझे देते रहना। अब सुहाना हर तरीके से घर को संभाल रही थी। सुहाना अपने पति समीर से तो प्रेम करती थी, लेकिन अपने ससुर हरी का रहना उसे घर में खटकने लगा था। एक दिन वो खुद से बोलती है, इस पुट्टी का इस घर में रहना कितना परेशान कर देने वाला है। चपटे को तो खांसते ही रहते हैं। इस बीमारी की दुकान की सेवा मुझे अकेले ही करनी पड़ती है। आखिर कब तक मैं इस पूछ को अकेले ऐसे ही सर पर लेकर घूमती रहूंगी। इनका कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये सोचकर सुहाना कभी हरी को गलत दवाई दे देती या हरी को ऐसा खाना बनाकर देती जो उसकी सेहत के लिए हानिकारक होता था, और अगर कभी हरी अपनी इच्छा का कुछ खाने के लिए बोलता तो वो उसे कोई ना कोई बहाना बनाकर मना कर देती थी। ये सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहता है, लेकिन इसकी भनक समीर को नहीं पड़ती। वही समय पर ठीक दवाई और अच्छा खाना ना खाने की वजह से हरी की तबीयत काफी खराब हो जाती है, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। फिर डॉक्टर समीर से बोलते हैं, देखिए, आपके पिताजी गलत दवाई ले रहे हैं और ना ही इन्हें सही से खाना मिल रहा है। हमें नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो इनकी हालत आगे काफी ज्यादा खराब हो सकती है। ये सुनकर समीर को कुछ समझ नहीं आता और वो सुहाना से इसके बारे में पूछता है, सुहाना, तुम्हें पता है ना कि पिताजी को कौन सी दवाई कब देनी होती है? हाँ, मुझे पता है। ये देखिए, ये शाम को देनी होती है, ये सुबह और ये दोपहर में। दवाई तो तुमने सही बताई है, लेकिन डॉक्टर ने ऐसा क्यों कहा कि पिताजी गलत दवाई ले रहे हैं? मतलब? सुहाना, उन्होंने कहा कि ना पिताजी सही से दवाई ले रहे हैं और ना ही सही खाना खा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इनकी तबीयत काफी खराब हो जाएगी। ये सुनकर सुहाना बड़ी ही खुश होती है और मन में सोचती है, चलो अब जल्दी से इस पुट्टी से छुटकारा मिल जाएगा। क्या हुआ सुहाना, क्या सोचने लग गई तुम? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं पिताजी का ध्यान अब से और ठीक से रखूंगी। हरी की बिगड़ती तबीयत के बारे में सुनकर सुहाना बड़ी ही खुश होती है और वो लगातार उसे गलत दवाइयाँ देना और खराब खाना देना जारी रखती है। हरी को ये सब पता होता है, लेकिन समीर के सामने बहू की इज्जत खराब ना हो इसीलिए वो उसे कुछ भी नहीं बताता और बात अपने तक ही छुपा कर रखता है। खराब तबीयत होने की वजह से हरी अब घर पर ही रहने लगता है और अपनी तबीयत जल्दी सही होने की कामना करता रहता है। एक दिन लंच के समय समीर घर जल्दी आ जाता है और सीधे अपने पिता के कमरे में उनकी तबीयत के बारे में पूछने चला जाता है। पिताजी, आपकी तबीयत कैसी है? ये पूछते ही समीर की नज़र अचानक हरी की थाली पर पड़ती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है और कहता है, ये क्या पिताजी,
ये खाना तो आपकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है, आप ये क्यों खा रहे हैं? तभी वो सुहाना को बुलाता है। सुहाना, इधर आओ जरा। समीर की आवाज सुनकर सुहाना वहाँ आती है। तभी समीर उससे पूछता है, तुमने ये पिताजी को क्या खाना दिया है? तुम्हें पता है ना कि ये इनकी सेहत को कितना नुकसान पहुँचा सकता है। मैं वो क्या? इतने में समीर की नज़र पिताजी की बगल में रखी दवाइयों पर पड़ती है, जो उन्हें खाना खाने के बाद लेनी होती है। दवाइयाँ गलत देखकर समीर को सारी बात समझ में आ जाती है। उसे ये पता चल जाता है कि ये सब सुहाना कर रही है। ये जानने के बाद वो सुहाना से गुस्से में बोलता है, सुहाना तुम्हें इस घर में किस चीज की कमी है? मुझसे जितना बन पड़ा मैंने तुम्हें खुश रखने की कोशिश की, और बदले में बस इतना चाहा कि तुम मेरे पिताजी और इस घर का ध्यान रखो। अगर तुमसे ये सब नहीं हो रहा था तो कह देती मुझसे, मैं कोई और रास्ता ढूंढ लेता। ये सब करने की क्या जरूरत थी? मुझे माफ कर दो समीर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। समीर सुहाना को माफ नहीं करता और उसे घर से जाने के लिए कह देता है। अपने पिता के साथ हुए अन्याय को वो सहन नहीं करता। सुहाना घर छोड़कर चली जाती है। उसके जाने के बाद वो खुद अपने पिता की दिन रात देखभाल करता है, जिसके बाद कुछ ही दिनों में हरी की तबीयत भी ठीक हो जाती है। तबीयत ठीक होने के बाद हरी सुहाना को उसके घर से वापस ले आता है और समीर से कहता है, बेटा समीर, सुहाना को अपनी गलती का एहसास है और ये अब ऐसी कोई भी गलती नहीं करेगी। इसने मुझसे ऐसा वादा भी किया है। पर पिताजी, पर कुछ नहीं, मैंने जिंदगी में जो भी कमाया है वो सब तुम ही तो हो मेरे बच्चों। अब मैं कैसे अपने जीवन भर की पूंजी को ऐसे एक झटके में जाने दूं? तो अब से हम एक अच्छे परिवार की तरह हमेशा साथ रहेंगे। सुहाना को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो समीर से अपनी गलती की माफ़ी मांग लेती है, और समीर भी सुहाना को माफ कर देता है, जिसके बाद सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।